तो गाइस, एक तरफ सिंघम 3 और दूसरी तरफ भूल भुलैया 3, दोनों में से कौन चलेगी थिएटर में, किसका पल्ला भारी पड़ेगा, इसको जानने के लिए मेरे वीडियो को पूरा अंतिम तक देखें। और चलिए सारे फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं कि कौन सी मूवी ज़्यादा कमाने वाली है और कौन सी मूवी का पल्ला भारी पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे कार्तिक आर्यन उर्फ हमारे रू बाबा वापस से थिएटर में पधारने के लिए हो गए हैं तैयार, और देखते हैं इस पर क्या कमाल करते हैं, क्योंकि पिछली बार तो याद है ही आपको कि कितना कमाल किया था उन्होंने, 300 करोड़ पार किया था भाई भूल भुलैया 2 ने। याद है कि भूल गए? नहीं याद है तो याद कर लो, 300 करोड़ पहली ऐसी मूवी थी कार्तिक आर्यन के लाइफ की जो पार की थी, तो भाई कुछ तो बात होगा, इसीलिए वापस से वो तैयार हो गए। तो दूसरी तरफ बाजीराव भैया भी कहाँ पीछे रह रहे थे, अपना कमर कस के अपना सीना तन के निकल गए हैं। भाई सिंघम को नहीं जानते क्या, लेडी सिंघम भी है उसमें, देखा तो होगा ये ट्रेलर। भाई ट्रेलर को रिव्यू करने नहीं आया मैं, फैक्ट्स डिस्कस करने आया हूँ कि बैन चोद वो लोग बनाने निकले कुछ और बना कुछ और है। रोहित शेट्टी का बस चले तो वो आधी मार्वल यहीं खड़े कर दे बॉलीवुड वाले की, बॉलीवुड की मार्वल बनाएंगे हम तो, क्योंकि मार्वल से पीछे है क्या बॉलीवुड? पीछे तो है आई गेस। तो गाइस इधर उधर की बात ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि एक मूवी में पूरे बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे खड़ा कर दिए। भाई लेडी सिंघम आ गई है, हमारे बाजीराव सिंघम तो थे ही, ऊपर से उन्होंने सबको फेंक दे मारा है। भाई अक्षय कुमार का तो आना बनता है भाई, हेलीकॉप्टर से उड़ के आ रहे हैं, और पीछे से जो बकवास एक्टिंग चलता है भाई वो तो जानते ही, हमारे दीपिका पादुकोण के हस्बैंड का एक्टिंग तो कोई उससे सीखे भाई, बिना मतलब का ओवर एक्टिंग की दुकान बनने फिर रहे हैं इसमें। लगता है तुझे गोली मार दूं उसको, ऐसे बोलते जब अक्षय कुमार लगता है भाई फील नहीं आ रहा, मतलब जबरदस्ती का मना रहे भाई वो लोग जबरदस्ती का। लेकिन हाँ एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि रोहित शेट्टी ने एक काम बखूबी किया है इस ट्रेलर के अंदर, और मूवी के अंदर भी बखूबी दिखने वाला है, जिसको सिर्फ ट्रेलर के अंदर छोटा सा पार्ट दिखाया ना वो मूवी के अंदर बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है। और कौन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, वही हमारे टाइगर भैया की, हाँ हाँ उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ हालांकि जानता हूँ उछल कूद करने के अलावा उसको कुछ आता नहीं हो, इसीलिए ट्रेलर में भी उसको छोटा सा पार्ट दिया, क्योंकि ज़्यादा पार्ट दिखा देते तो मूवी देखने जाते क्या, ट्रेलर के अंदर ही सब कुछ दिखा दिया भाई। 3 मिनट का ट्रेलर है, सब कुछ देख लो, सारे इंपॉर्टेंट सीन देख लो और एक्साइटेड होकर जाओ और मूवी देख डालो, और देखो कि साला ट्रेलर में जो देखा था मूवी में भी वही निकला, क्या देखने आया था और क्या निकल गया। लेकिन उसी तरह भूल भुलैया जो है उसको पीछे करते हुए और बड़ा ट्रेलर निकालती है और बोलती है भाई हम भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, कार्तिक भैया नाम है हमारा, उन्होंने ट्रेलर तो बड़ा निकाला है, साथ ही उनमें आधा ट्रेलर तक दिखाया, बहुत कॉमिक टाइमिंग है, मस्ती है, मजाक है, लेकिन खैर हंसी नहीं आया बात अलग है। क्यों, तुम्हें आया था क्या हंसी? नहीं मेरे को तो नहीं आया। लेकिन उसी के साथ अगर बात करें तो आधा ट्रेलर के बाद से मूवी सीरियस दिखाती है कि मैं सीरियस भी हूँ भाई, इसमें सिर्फ कॉमेडी नहीं है हॉरर भी है भाई। मौंजलिका एक नई मौंजलिका, दूसरी पुरानी मौंजलिका, भाई क्रिएटर ने सोचा कि पुरानी वाली मौंजलिका कितनी ज़्यादा चली थी उसको लाते ही हैं, साथ में माधुरी दीक्षित को भी उठा दिया और कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करे भाई दोनों में से मौंजलिका है कौन, रियलिटी रियल कौन है, ये वाली मौंजलिका सही है या वो वाली, इसमें बकचोदी करते वो लोग पूरा मूवी निकालेंगे। लेकिन अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि दोनों में से कौन सी मूवी ज़्यादा चलने वाली है। तो अगर मेरे ओपिनियन की मानो ना तो भूल भुलैया 3 जो है वो ज़्यादा वर्क करेगी। उसके पीछे मैं आपको फैक्ट्स देना चाहूँगा, ऐसे ही हवा में बात नहीं करता भाई, RSD वर्ड से हवा में बात नहीं करता, फैक्ट्स दूंगा। सबसे बड़ी बात है कि ये जो मूवी है उसको सारे जेंडर के लोग देखते हैं, जैसे कि बच्चे, बूढ़े और मिड रेंज के लोग भी देखते हैं, मतलब भूल भुलैया 2 को ऑडियंस ऑक्यूपेंसी ज़्यादा है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ बात करूँ ना तो हमारे बाजीराव भैया की मूवी देखने वाले कितने ऑडियंस है, बच्चे थोड़े हैं मतलब ठीक ठाक हैं, और मिड रेंज बूढ़े लोग नहीं देखने वाले उसे भाई, एक्शन देखने कितने बूढ़े लोग जाते हैं मुझे बताओ भाई कितने। लेकिन हाँ भूल भुलैया मूवी एक ऐसी मूवी है जिसको सबने देख रखा है भाई, अपने दादाजी से पूछ तो देख रखा है क्या भाई, मेरे दादाजी तो रहे नहीं, तुम ही पता कर लो कि तुम्हारे दादाजी ने देख रखा है कि नहीं रखा है। लेकिन हाँ भूल भुलैया मूवी जो है बहुत ज़्यादा रीमेक बनी है, साउथ इंडिया में भी बनी है तुमको पता ही, और उसका नाम रख दिया भूल भुलैया 1 आया, फिर 2 आया, और फिर उन्होंने 3 दे मारा है। तो अगर ओवरऑल फैक्ट्स की बात करें तो भाई कितना भी बॉलीवुड वाले अपने मार्वल खड़े कर दें, बॉलीवुड की मार्वल फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन भूल भुलैया एक नाम ही काफ़ी है। इसीलिए अगर ट्रेलर को भी अगर तुम देखो ना तो ट्रेलर पे ज़्यादा व्यू किसका आया 2 दिन के अंदर भाई, 54 मिलियन भूल भुलैया 3 का, और 4 दिन से कितना गया है 30+ मतलब 34 के आसपास मिलियन उसका व्यू गया है बाजीराव का। तो समझ ही सकते हो कि सिंघम 3 कहाँ पर स्टैंड करती है, और
भूल भुलैया 3 कहाँ पे स्टैंड करती है, मतलब ऑडियंस खुद बोल रही है भाई चिल्ला चिल्ला के कि हमें क्या देखना है भूल भुलैया 3 जब थिएटर में रिलीज होगा और बड़े कास्ट के साथ भी ये मूवी जब इतना कमाएगी और भूल भुलैया 3 फर्स्ट डे इतना कमाएगी, क्योंकि ऑडियंस ऑक्यूपेंसी उसका ज़्यादा है, ऑडियंस टारगेटिंग ऑडियंस उसका बहुत बड़ा है, इसलिए वो मूवी ज़्यादा कामयाब हो सकती है फर्स्ट डे के। लेकिन अगले दिन से मूवी जो का लेवल है वो यहाँ से यहाँ हो सकता है, एक बड़े मूवी का भी और एक छोटा मूवी भी बहुत बड़ा कर सकता है, क्योंकि अगला दिन ही डिसाइड करेगा कि पिछला दिन जो फर्स्ट डे का शो गया है वो कैसा गया है, लोगों ने क्या रिव्यू दिया है, कुछ लोग को पसंद आया कुछ लोग को नहीं आया, कितने लोग उसको पसंद करते हैं। तो सबसे बड़ा बात है कि पहला दिन अगर जो कामयाब हो गया, जिसकी स्टोरी अच्छी है, जिसका ग्रिपिंग अच्छा है, जिसका ओवरऑल कॉम्बिनेशन अच्छा है, जिसको पब्लिक पसंद करती है, वही चलता है, क्योंकि जनता ही जनादन है, वो तो तुम्हें पता ही है ऑलरेडी। तो बस इस भजड़ को यहीं ख़त्म करते हैं, मेरी मानो तो भूल भुलैया 3 ज़्यादा चलेगी। अगर तुम एक्साइटेड थे भाई सिंघम 3 के लिए तो मुझे नहीं पता, मैं तो खुद एक्साइटेड हूँ और दोनों मूवी में देखने जाऊँगा ही हालांकि, लेकिन फिर भी अगर जो ज़्यादा चलेगी मुझसे अगर पूछोगे तो मैं बोलूँगा भूल भुलैया 3 अगर सब कुछ सही काम किया तो। लेकिन कौन जानता है क्या होने वाला है, किसका कितना बड़ा है वो तो थिएटर के दिन ही पता चलेगा, तो इतना बकचोदी करने से अच्छा है चलो थिएटर के दिन का वेट करते हैं। जय हिंद जय भारत, और देखते रहें ऐसे ही आपका अपना RSTVerse।